Hello students, today we are going to start the exercise portion of chapter skin structure and function. So let's start. A part, very short answer type questions. Number one, state whether the following statements are true or false. तो सबसे पहले देखेंगे. A, the body temperature of a human being remains almost constant at about 36.9 degrees Celsius. False. B, hair are living structures. False. C, widening of blood capillaries in the dermis increases heat loss from skin. True. D, sebaceous glands are associated with temperature regulation of body. False. E, skin derivatives like hair, spine, scales are developed from the epidermis layer. True. Vasodilation occurs during summer to avoid loss of heat from the blood. False. Sweat glands lubricate hair of eyelashes. False. The primary function of sweat glands is excretion. False. B, short answer type questions. Number one, give one difference from for each of the following. Number one, vasoconstriction and vasodilation. ये आपको पेज नंबर 148 और 149 पे मिलेगा. तो दिस इज पेज नंबर 148 और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ 13.6 के नीचे वाला देखेंगे. तो यहाँ पे देखेंगे हेडिंग डला हुआ वासोडाइलेशन और यहाँ पे दो लाइन्स लिखी हुई हैं. ये दोनों लाइन्स आपको इसके लिए लिखनी है. देन ऑन पेज नंबर 149 जस्ट बिगनिंग देखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में वासो कंस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है. इसको पूरा तीन लाइन्स में आपको इसको डिफाइन किया हुआ है. ये कंप्लीट थ्री लाइन्स यू हैव टू राइट. सेकेंड इज स्वेट एंड सीरुमिन. दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 146 एंड 147. ऑन पेज नंबर 147 फर्स्ट वील सी सीरुमिन. तो यहाँ पे आप ये दो लाइन्स लिखेंगे. सीरुमिनस ग्लैंड दे आर लोकेटेड इन द एस्टेशन केनाल और ऑडिटरी केनाल. दे सिक्रीट वैक्स लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड सीरुमिन और ईयर वैक्स. ये आपका फर्स्ट सीरुमिन का हो गया. एंड स्वेट इज गिवन ऑन पेज नंबर 146 और इसमें आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम के जस्ट नीचे कंपोजिशन ऑफ स्वेट लिखा है. इसमें सबसे पहले स्वेट को डिफाइन किया है. स्वेट इज वाटर सिक्रीशन फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स. इट कंटेन्स अबाउट 99% वाटर, 0.2 to 0.5% सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड ट्रेसेस ऑफ यूरिया. तो ये आप लिखेंगे 1B के लिए यानी कि सीरुमिन और ये स्वेट के लिए लिखेंगे और सीरुमिन का मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इज सी स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड स्ट्रेटम मैल्फिगी. स्ट्रेटम मैल्फिगी इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड इज मेड अप ऑफ कोलमनार एपिथेलियम. स्ट्रेटम कॉर्नियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल डेड फ्लैट सेल्स. नेक्स्ट डी मेमोरी ग्लैंड एंड माइबोमियन ग्लैंड. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 146 एंड 147. सो दिस इज पेज नंबर 146 और यहाँ पे आप देखेंगे मेमोरी ग्लैंड्स का एक टॉपिक दिया हुआ है और उसके फर्स्ट टू लाइन्स यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. दे आर रूडिमेंट्री इन मेल्स एंड वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन फीमेल्स. बस यहाँ तक आपको लिखना है. नाउ ऑन पेज नंबर 147 सीरुमिनस ग्लैंड्स के लिए लिखा है. ये कंप्लीट दोनों लाइन्स आपको लिखनी है. साथ में जो मैंने यहाँ पे एडिशनल लाइन लिखी हुई है दीज आर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, ये भी आपको इसमें इंक्लूड करनी है. क्वेश्चन नंबर टू स्टेट द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. एयर हेयर पैपिला. बी सेबेशियस ग्लैंड. सी स्वेट ग्लैंड. डी सबक्यूटेनियस फैट. ई इरेक्टर पिली मसल्स. एफ स्वेटम जर्मिनेटिवम एंड जी मिलानिन. सो हेयर इज हेयर पैपिला. इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग हेयर. सेबेशियस ग्लैंड इट सीक्रेट्स सीबम विच मेक्स हेयर एंड स्किन ऑयली एंड वाटर प्रूफ. Then subcutaneous fat, it acts as food reserve and insulate the body against heat loss. Then erector pili muscles, their contraction pulls the follicle and contained hair into an upright position. Then stratum germinativum, it provides the germinal cells necessary for the regeneration of the layers of the epidermis. Then sweat glands. The sweat gland cells extract water and salt from the blood which forms sweat. The sweat comes to body surface and by evaporation regulates body temperature in summer. G. Melanin. The melanin pigment gives color to the skin
and protects internal organs from ultraviolet radiations. D part, multiple choice. Number one, which one of the following organs actively functions in regulating our body temperature? Skin. Second, what will happen if sebaceous glands in the body fail to function? Skin will turn dry and rough. Third, mammary glands are modified sweat glands which are present in both male and female.